Hello friends, अब हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट शेयर्ड असेंबली इन .NET. .NET में शेयर असेंबली कैसे बनाते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डीलर बनाना सिखाया, जिसको हम प्राइवेट डीलर बोला. हमने प्राइवेट डीलर कैसे बनाते हैं, प्राइवेट असेंबली. अब आपको जरूरत पड़ रही है कि प्राइवेट असेंबली को मुझे शेयर्ड असेंबली बनाना है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो कैसे करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी प्राइवेट असेंबली को शेयर्ड असेंबली बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग नेम की फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा. बिना स्ट्रॉन्ग नेम की फाइल को असेंबली में ऐड किए कोई भी असेंबली ओपनिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होती है. हमें एक टोकन जनरेट करना पड़ता है, जो टोकन एक नंबर होता है जो हमने एक प्राइवेट टीएल को असाइन करना होता है. उस टोकन को ऐड करने के बाद असेंबली में हम उस असेंबली को ओपनिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, उस प्राइवेट असेंबली को शेयर्ड असेंबली बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एक लेक्चर में स्ट्रॉन्ग नेम की को क्रिएट करना सिखाया है. आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेम की को कैसे क्रिएट करते हैं. ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. चेक द स्ट्रॉन्ग नेम की इन फोल्डर. तो सपोज फ्रेंड्स, जो मैंने स्ट्रॉन्ग नेम की बनाई थी, हमने उसको चेक कर लेते हैं वो हमारे पास है कि नहीं है. तो मैंने एफ ड्राइव में बनाई थी, उसका नाम दिया था मैंने स्ट्रॉन्ग नेम की डॉट एस एन के. फाइल का नेम है स्ट्रॉन्ग नेम की डॉट एस एन के. एस एन के का मतलब है स्ट्रॉन्ग नेम की एक्सटेंशन है इसका. ठीक है, बस तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेम की है. उसके बाद क्या करना है, नाउ गो टू द प्रोजेक्ट एंड ओपन असेंबली इन्फो डॉट सी एस फाइल. तो अब हमें जो प्राइवेट असेंबली हमारी, जो प्राइवेट डीएल है, उसको उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो में. फिर प्रॉपर्टीज नाम के फोल्डर में असेंबली इन्फो डॉट सी एस फाइल होती है, उसको ओपन करेंगे और उस फाइल में ऐड करेंगे असेंबली फाइल इन्फो एट्रीब्यूट. ये असेंबली इन्फो डॉट सी एस फाइल कौन सी होती है, ये आपकी असेंबली का मेटा डेटा होती है, जो आपकी असेंबली को डिस्क्राइब करती है. तो वहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे लास्ट में असेंबली का एट्रीब्यूट ऐड करना है. असेंबली की फाइल, जो हमने फाइल बनाई है, फाइल का नेम है स्ट्रॉन्ग नेम कीज डॉट एस एन के. इसको हम असेंबली में ऐड करेंगे और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, बिल्ड करेंगे. ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने एक असेंबली बनाई थी कैलकुलेशन नाम से. अगर आपको नहीं पता असेंबली कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने एक असेंबली बनाई थी कैलकुलेशन के नाम से. उसमें क्लास है यूटिलिटी, उसमें दो मेथड है एडिशन एंड सबसेक्शन. ये हमने बनाया था, ये हमारी असेंबली है. अब ये एक प्राइवेट असेंबली है, प्राइवेट असेंबली. इसको मैं शेयर्ड असेंबली बनाना चाहता हूँ, शेयर्ड असेंबली. तो शेयर्ड असेंबली बनाने के लिए यहाँ पर राइट साइड में आइए. राइट साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर. प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, इसमें फाइल होती है असेंबली इन्फो डॉट सी एस. असेंबली इन्फो डॉट सी एस फाइल वो फाइल होती है जो आपके असेंबली का मेटा डेटा होती है. तो इसको ओपन करेंगे, ये ओपन होगी फ्रेंड्स. ये वो फाइल है जो आपकी असेंबली का मेटा डेटा होती है. तो इसमें क्या लिखा हुआ, असेंबली टाइटल, असेंबली डिस्क्रिप्शन, असेंबली कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी असेंबली को डिस्क्राइब करते हैं. ओके फ्रेंड्स, नीचे आइए. नीचे असेंबली का वर्जन है 1.0.0, असेंबली फाइल वर्जन है. अब हम इस फाइल में स्ट्रॉन्ग नेम की को ऐड करेंगे जो हमने क्रिएट की है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. नीचे आएंगे, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट असेंबली कॉलन असेंबली की फाइल को सिलेक्ट करेंगे. असेंबली की फाइल इसको ओपन करेंगे. तो ये फ्रेंड्स, इसमें क्या आ रहा है, स्ट्रिंग की फाइल. ये की फाइल मांग रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में. स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है, तो इसमें अंदर आएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे. मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी, मेरी फाइल कहाँ पे है. तो मैंने कहाँ पे है हमारी फ्रेंड्स, फाइल हमारी कहाँ पे है, एफ ड्राइव में. फाइल का नेम स्ट्रॉन्ग नेम की डॉट एस एन की. इसको कॉपी कर लेंगे, पूरे नाम को कॉपी करेंगे विद एक्सटेंशन. एफ ड्राइव के अंदर डबल बैक स्लैश फाइल नेम. हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, असेंबली एट्रीब्यूट क्या होगा, असेंबली की फाइल. असेंबली की फाइल में
लोकेशन देनी पड़ेगी. लोकेशन क्या है, कहाँ पे हमारी फाइल, एफ ड्राइव में, और फाइल का नेम क्या है, स्ट्रॉन्ग नेम की डॉट एस एन के. एस एन के जरूर आएगा, ये कंपल्सरी है एक्सटेंशन. ओके फ्रेंड्स, इसको सेव करेंगे. अब इसे बिल्ड करेंगे, बिल्ड सॉल्यूशन, कंपाइल करेंगे प्रोजेक्ट को. बिल्ड वन सक्सीड, फेल जीरो. इसका मतलब हमारी जो स्ट्रॉन्ग नेम की है, जो फाइल है, पब्लिक की टोकन, पब्लिक की टोकन को हमने इस असेंबली में ऐड कर दिया है. आपका पब्लिक की टोकन असेंबली में ऐड हो चुका है. ओके फ्रेंड्स, अब हम इस असेंबली को, प्राइवेट असेंबली को, प्राइवेट असेंबली का नेम क्या है, कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन असेंबली को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे. तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे इंस्टॉल होगी, ये इंस्टॉल होगी सी ड्राइव में, विंडोज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर, असेंबली के अंदर, गैक एम एस आई एल. कहाँ पर इंस्टॉल होगी फ्रेंड्स, गैक एम एस आई एल के अंदर इंस्टॉल होगी. ओके, तो स्टेप्स हैं इसके लिए, फिर से आते हैं. नाउ बिल्ड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को हमने बिल्ड कर दिया. दिस असेंबली इज नाउ साइंड विद ए प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर. अभी जो आपने असेंबली में स्ट्रॉन्ग नेम की ऐड की है, स्ट्रॉन्ग नेम की, ये ऐड हो चुकी है और तैयार है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए. तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे. तो टू इंस्टॉल एन असेंबली यूजिंग गैक यूटिलिटी, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप क्या है, आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे. विजुअल स्टूडियो के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके लिखेंगे गैक यूटिल आई, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, और असेंबली का पाथ, असेंबली कहाँ पे है. ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल. तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, शेयर्ड असेंबली बनाना चाहते हैं, तो आपको ओपन करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो का कमांड प्रॉम्प्ट. विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए राइट क्लिक, रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर. तो ये फ्रेंड्स ओपन हो गया है आपका डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट. अब इस पे लिखेंगे फ्रेंड्स gacutil डॉट ई एक्स ई माइनस आई, आई का मतलब इंस्टॉल करेंगे, और अपनी असेंबली का पाथ, मेरी असेंबली कहाँ पे है, असेंबली का पाथ चेक करेंगे. इस असेंबली को मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इस असेंबली को मैं लोकेशन देखूँगा कहाँ पे है, ये ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन के अंदर, डीबग के अंदर, दिस वन कैलकुलेशन डॉट डीएल. इस पाथ को कॉपी करूँगा, कॉपी किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पेस्ट करूँगा. फाइल का नेम क्या है, डीएल का नेम, डीएल के नेम कॉपी करूँगा, देन एंटर. अब एंटर करेंगे. मैसेज है असेंबली सक्सेसफुली एडिट टू द कैशे, असेंबली सक्सेसफुली एडिट टू द कैशे. अब चेक करेंगे जाके फ्रेंड्स, वहाँ पे इंस्टॉल हुई नहीं हुई है. सी ड्राइव में, विंडोज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट के अंदर, असेंबली के अंदर, गैक एम एस आई एल के अंदर, सी कैलकुलेशन पहले ही आ रहा है सबसे ऊपर, कैलकुलेशन आ रहा है फ्रेंड्स. हमारी डीलर है, डेट मॉडिफाइड कब बनाई है, 9/4/20 को, टाइम भी आ रहा है, डेट और टाइम भी आएगा कब क्रिएट हुई है. इसे ओपन करेंगे, देखो फ्रेंड्स इसमें आ रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको. वर्जन आ रहा है, वी स्टैंड फॉर वर्जन, किस वर्जन में, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0. असेंबली का फाइल वर्जन क्या है, 1.0, देख लो फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं. वर्जन क्या है असेंबली का, असेंबली वर्जन है 1.0, असेंबली फाइल वर्जन, असेंबली वर्जन 1.0 दिख रहा है आपको, असेंबली का वर्जन आ रहा है, और ये की टोकन आ रहा है, ये टोकन है फ्रेंड्स, ये वो टोकन है जो आपने ऐड किया है, दिस वन स्ट्रॉन्ग नेम की, स्ट्रॉन्ग नेम की आ रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपके सामने, ये पब्लिक की टोकन है जो आपने ऐड किया है. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं. इसे ओपन करते हैं, ये रही हमारी डीलर जो हमने इंस्टॉल की है, कैलकुलेशन डॉट डीलर ये रही, और हमारे फोल्डर में थी कैलकुलेशन डॉट डीलर जो प्रोजेक्ट के फोल्डर में है.
कैलकुलेशन डॉट डील आपके सामने है फ्रेंड्स। तो ये असेंबली इंस्टॉल हो चुकी है किसके अंदर, गैक एमएसआईएल के अंदर। असेंबली जो भी आप इंस्टॉल करेंगे वो सब गैक एमएसआईएल में इंस्टॉल हो जाएगी, कैलकुलेशन दिस वन। अब ये असेंबली आपकी जो आपने असेंबली बनाई है, कैलकुलेशन असेंबली अब प्राइवेट असेंबली से शेयर्ड असेंबली बन चुकी है। अब आप इसको बार बार ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे यूजिंग कैलकुलेशन, जैसे आप लिखते हैं यूजिंग सिस्टम ऐसे आप लिखेंगे यूजिंग कैलकुलेशन, और आपका प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। आपका सी एल आर अब जिस प्रोजेक्ट में आप इस कैलकुलेशन डील को यूज़ करेंगे, तो अब सी एल आर सबसे पहले चेक करेगा गैक एम एस आई एल के अंदर, यहाँ पे गैक एम एस आई एल में चेक करेगा, अगर कैलकुलेशन फाइल मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो फिर बिन फोल्डर में चेक करता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज़ कीजिए आपको ये कैलकुलेशन डी एल एल अनइंस्टॉल करनी है, आप नहीं चाहते कि ये कैलकुलेशन डी एल एल यहाँ पर रहे, तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल कैसे करते हैं फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, इंस्टॉल करने के लिए होता है गैक यूटिल माइनस आई फाइल नेम टू अनइंस्टॉल एन असेंबली यूजिंग गैक यूटिलिटी, गैक यूटिल स्पेस माइनस यू, यू का मतलब क्या है अनइंस्टॉल, आई का मतलब होता है इंस्टॉल, यू का मतलब होता है अनइंस्टॉल, और असेंबली का नेम। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए आपको अनइंस्टॉल करना है, तो क्या करेंगे, गैक यूटिल डॉट ई एक्स सी, डॉट ई एक्स सी कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए चाहे मत कीजिए। अनइंस्टॉल करने के लिए माइनस यू, असेंबली का फाइल नेम, असेंबली का फाइल नेम क्या है, कैलकुलेशन, लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स इसमें, जैसे हमने इंस्टॉल करते टाइम लोकेशन दी थी, अनइंस्टॉल करते टाइम लोकेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नेम देना होता है कैलकुलेशन, हमारी असेंबली का नेम क्या है कैलकुलेशन। अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, यहाँ पे है कैलकुलेशन दिस वन, इसको हम अनइंस्टॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे इसको, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा मैंने, गैक यूटिल डॉट ई एक्स ई माइनस यू, यू का मतलब अनइंस्टॉल कैलकुलेशन। देखो फ्रेंड्स मैसेज आया, नंबर ऑफ असेंबलीज अनइंस्टॉल वन, अनइंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फेलियर जीरो, कोई फेलियर नहीं है, अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब चेक करते हैं जाके गैक यूटिल, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं इसको एक बार। देखो फ्रेंड्स कैलकुलेशन नाम की डील नहीं है, गैक एम एस आई एल से कैलकुलेशन नाम की डील रिमूव हो गई है, अनइंस्टॉल हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो हमने सीखा हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू अनइंस्टॉल असेंबली, ठीक है फ्रेंड्स। अब सपोज कीजिए आफ्टर सिक्स मंथ या एक साल बाद फिर से मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क अपडेट होता है हर साल, पहले वर्जन वन आया, फिर टू आया, फिर 2.5, 3.0, 3.5 इस तरह से आया। सपोज इसको मैं पहले इंस्टॉल कर देता हूँ, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ पहले, एक बार फिर से इंस्टॉल कर देते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने इंस्टॉल किया है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ फिर से, इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जाके फिर से हमने इंस्टॉल किया इसको, कैलकुलेशन आ गई है उसी वर्जन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब छः महीने बाद, एक साल बाद आपने फिर से सोचा इस पर काम करने के लिए, इस पर कंपनी ने फिर से, जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपसे कहा हमें फिर से इसमें कुछ ऐड करवाना है, अपडेट करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क करता है, अपने माइक्रोसॉफ्ट करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क को, पहले वर्जन आया 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, तो उसमें फाइल्स ऐड होती है। सपोज मुझे फिर से इस पर ऐड करना है कुछ, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, सपोज एडिशन सबसेक्शन, अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आफ्टर सिक्स मंथ, आफ्टर सिक्स मंथ कंपनी ने फिर से इसको अपडेट करवाया, इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड सक्सीड हो गया, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। अब जब हमने इसको चेंज किया है, तो यहाँ पे फाइल वर्जन कर देता हूँ मैं
मेजर चेंजेस है तो 1.2 कर दिया मैंने, असेंबली वर्जन कर दिया 1.2 क्योंकि हमने चेंज किया है, इसमें चेंजेस हुए हैं कुछ, चेंज किया तो 1.2 कर दिया, माइनर चेंजेस, माइनर वर्जन को चेंज किया है। ओके फ्रेंड्स, अब फिर से इंस्टॉल करेंगे इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर से इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गैक यूटिल आई, इसको फिर से इंस्टॉल करते हैं, गैक यूटिल आई वहीं से उठाएगा, ये वही लोकेशन है, वहीं से उठाएगा, फिर से इंस्टॉल करते हैं। असेंबली सक्सेसफुली एडिट टू द कैशे, चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, कैलकुलेशन है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, कैलकुलेशन कैलकुलेशन हमने बिल्ड किया था इसको, बिल्ड सक्सीड, फिर से ऐड करते हैं, चेक करते हैं फ्रेंड्स, दिस वन। देखो फ्रेंड्स, एक और तैयार हो गई है नेक्स्ट वर्जन से 4.0। अब वर्जन क्या हो गया है, पहले था, मैं आपको दिखा देता हूं, एक ये बन गई है फाइल और एक और इंस्टॉल हो गई है, अलग अलग वर्जन की, वर्जन 1.00, वर्जन 1.2.0। देखो फ्रेंड्स, पहले हमारे पास था 1.0, अब हमने वर्जन क्या कर दिया 1.2.0, तो हमारे पास दो असेंबली बन गई हैं। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन, साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन। जैसे सपोज कीजिए आपने पहले माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया 3.0, फिर किया 3.5, तो फ्रेंड्स पहले आपको मिलेगा 3.0, फिर मिलेगा आपको 3.5। इसे बोलते हैं साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन, कि ओवरराइट नहीं हो रही असेंबली, आपको लगे कि असेंबली ओवरराइट हो रही, नहीं, आपने वर्जन चेंज किया तो वर्जन चेंज करते के साथ ही दूसरी असेंबली क्रिएट हो गई, आप देख सकते हैं 1.2। अगर आपने सोचा कि फिर से काम करते हैं, चलिए पहले था क्या फ्रेंड्स आपका, मैं दिखा देता हूं आपको, पहले था 1.0 ये लिख देते हैं, फिर इसके बाद आया 1.2, इसको अपडेट कर देते हैं। सपोज आपने बहुत मेजर चेंजेस किए हैं असेंबली में, तो इसको 2 कर देते हैं, अब 2 है, ठीक है, फिर से इसमें चेंजेस कर देते हैं, डिवीजन फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर आपने चेंजेस किए इसमें, एडिशन सबसेक्शन और सबडिवीजन, इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड सक्सीड, अब इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, हमने क्या किया, वर्जन वर्जन कर दिया है 2.0, अब वर्जन क्या हो गया फ्रेंड्स 2.0, चेंजेस आ गए, फिर से इंस्टॉल करेंगे, असेंबली सक्सेसफुली एड टू द कैशे, अब चेक करते हैं जाके, देखो फ्रेंड्स रिफ्रेश किया 2.0 इंस्टॉल हो गई है। इस तरह से 1.0 1.2 2.0 हम इंस्टॉल करते चले जाएंगे विद टोकन, साथ में टोकन भी है, ठीक है फ्रेंड, इसे बोलते हैं साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन। डिफरेंट वर्जन्स की फाइल अपडेट हो रही हैं, इंस्टॉल भी हो रही हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्ड असेंबली कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राइवेट असेंबली को शेयर्ड असेंबली बनाते हैं। तो हमने इंस्टॉल करना भी सीखा है, इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास होता है गैक यूटिल डॉट एक्सी टूल है, ये गैक यूटिल डॉट एक्सी टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का, उसकी हेल्प से हम इंस्टॉल भी करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए पाँच स्टेप्स हैं, गैक यूटिल डॉट ई एक्सी
स्पेस माइनस आई, माइनस आई का मतलब इंस्टॉलेशन और असेंबली का पूरा कंप्लीट पाथ वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, देन एंटर। और अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के लिए